सभापति महोदय, आज हम इस श्वेत पत्र पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे शामिल हुए हैं। और सर, ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट में माहिर है और इवेंट मैनेजमेंट का एक उदाहरण आज हमें देखने को मिला, क्योंकि ये श्वेत पत्र एक श्वेत पत्र नहीं है, एक इलेक्शन स्टंट है, एक चुनावी एक ड्रामा है। ये अपने सरकार के जितने भी विफलताएं हैं उसको छुपाने का ये बहुत एक प्रयत्न है, एक साजिश है, लेकिन लोग इस साजिश में पड़ने नहीं वाले। लोग आपके श्वेत पत्र पे विश्वास नहीं करते, शायद आप ही के दल के सदस्य विश्वास नहीं करते, इसीलिए आज कोरम भी नहीं था, लोग बाहर चले गए, क्योंकि ये बातें ना सिद्ध हुई है ना प्रमाणित हुई है। और बार बार ये 10 साल से ये बार बार लोगों के सामने ये अपने झूठे अफवाह लेके जाते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी भ्रष्टाचार पे ये बहुत इन्होंने अपनी बात रखी और बहुत हम पे आरोप भी लगाए। तो सर, जिस प्रकार से आज ये 10 साल से काम कर रहे हैं, अगर भ्रष्टाचारियों को किसी ने पनाह दिया है तो आपकी सरकार ने दिया है, अगर भ्रष्टाचारियों को किसी ने पनाह दिया है तो आपके दल ने दिया है। आप में भी सत्ता पक्ष के तरह कुछ मैं उदाहरण लेना चाहूँगा। महाराष्ट्र सर, महाराष्ट्र तो एक आदर्श, एक इनका एक उदाहरण है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं। मुझे तो कभी कभी अफसोस महसूस होता है महाराष्ट्र के, इनके एक सांसद हैं डॉक्टर किरीट सोमैया, बहुत उन्होंने आवाज़ उठाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, लेकिन मुझे भी दुख होता है आज वही आज जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई आज उनके दफ्तरों में जाकर सलाम करना पड़ता है। सर, एक महाराष्ट्र के एक नेता हैं जो पहले शिवसेना और कांग्रेस के थे, उन पे 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया था अविग्ना ग्रुप को लेके, लेकिन वे व्यक्ति जब वो अपने दल को भाजपा के साथ 2019 में शामिल किए तो वही का वही ईडी का फाइल बंद। सर, एक और उदाहरण देता हूं पश्चिम बंगाल का, नारदा को लेके इन्होंने बहुत से एक्सटिंग ऑपरेशन वहां पे बहुत चर्चित हुई थी, नारदा को लेके इन्होंने बड़े नेताओं का नाम लिया था, पर एक विशेष नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाता है और उनके विधायनी दल का सभापति बन जाता है तो उस पे नारदा का जो कलंक उसका साफ हो जाता है। असम में सर, असम में इन्होंने 2015 में एक बीजेपी ने एक बुकलेट निकाला था सागा ऑफ स्कैम्स, सागा ऑफ स्कैम्स में एक विशेष व्यक्ति का उन्होंने उल्लेख किया था जो लुईस बर्जर इंटरनेशनल स्कैम के साथ, वाटर सप्लाई स्कैम के साथ एक विशेष व्यक्ति का नाम इन्होंने लिया था, कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो उस विशेष व्यक्ति पर बहुत वो जुल्म करेंगे और इस पर जेल में जाएंगे, और हुआ क्या, वो विशेष व्यक्ति आज इनके दल में शामिल होके अब असम का मुख्यमंत्री बन गया। आज ऐसा हो रहा है सर, आज सर छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में जब इससे पहले जब डॉक्टर रमन सिंह की जी की सरकार थी तो ये बहुत कहते थे उस समय कि हम काला धन का पैसा बाहर से वापस ले आएंगे, लेकिन पनामा पेपर्स में जब उस समय के छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के बेटे का नाम उल्लेख हुआ तो पनामा पेपर्स सब ये भूल गए। मेघालय में सर दुख होता है सर कि कभी कभी गृह मंत्री अमित शाह जी को भी अपने बातों को उनको शायद कभी कभी व्यक्त करते हुए शायद उनको भी अफसोस होता है कि उनके मुँह से क्या शब्द निकल गया, क्योंकि हाल में ही जब मेघालय में जब चुनाव हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह जी मेघालय जाके बोलते हैं कि वहां की सरकार दुनिया में देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। और फिर क्या हुआ, जब चुनाव में देखा कि भाजपा को कोई विधायक एक विधायक मिला तो उसी सबसे भ्रष्ट सरकार में ये शामिल हो गए। सर, मणिपुर में अफसोस है कि सर कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से एक ड्रग से जुड़े हुए एक मुजरिम को रिहाई करने का निर्देश मणिपुर में निर्देश जाता है मुख्यमंत्री के कार्यालय से। कर्नाटक में सर इनकी 40% की सरकार थी, कर्नाटक के जो प्रजा थी जागरूक हुई और सरकार को उखाड़ फेंका। बार बार ये विभिन्न जो यूपीए के टाइम में सीएजी रिपोर्ट के आधार पे जो कुछ अलग अलग अफवाह निकलती थी उस पर ये बात बहुत आपत्ति जताते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ महीने पहले सीएजी ने एक रिपोर्ट निकाला था कि द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके बहुत वहाँ पे कॉस्ट ओवररन हुआ, तब तो सीएजी रिपोर्ट पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। रिपोर्ट में आया एक दूसरे रिपोर्ट में सर आयुष्मान भारत को लेके,
कि किस प्रकार का आज भ्रष्टाचार आयुष्मान भारत में हो रहा है। सर, आयुष्मान भारत में ऑडिट में लिखा गया कि लगभग 7.5 लाख बेनिफिशियरीज हैव बीन रजिस्टर्ड विद द सेम मोबाइल नंबर और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। 7.5 लाख पीपल हैव बीन रजिस्टर्ड विद द सेम मोबाइल नंबर और ये सरकार सो रही है। वही रिपोर्ट में लिखा है कि लगभग 88,000 लगभग 90,000 लोग जो मर चुके हैं उनके नाम पर क्लेम जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ये लोग सो रहे हैं। सर, और भी मैं उसके उदाहरण देना चाहता हूं। सर, किस प्रकार का इनका वॉशिंग मशीन काम करता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि सर, अगेन दोबारा महाराष्ट्र में आता हूं। महाराष्ट्र में सर एक पब्लिक ट्रस्ट महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान, इसको लेकर ईडी ने ये चार्ज दिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया बन गया है। और उस ट्रस्ट को लेके जिस पर पहले ईडी कार्रवाई कर रही थी, जब वो शिंदे कैंप में उस सदस्य का शामिल हो जाता है तो ईडी का फाइल बंद। सर, ऐसे ही शिंदे कैंप में बहुत से लोग हैं, मैं अगेन नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक फॉर्मर चेयरमैन है बीएमसी पे, उन पे भी ईडी का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत उन पे कार्रवाई चल रही थी। लगभग उनके जो बांद्रा में जो उनकी फ्लैट थी ईडी ने जब्त कर ली, नियरली 40 उनके प्रॉपर्टी पे कार्रवाई चल रही थी, जब वो बीजेपी के साथ शिंदे कैंप में चले जाते हैं कार्रवाई बंद। वैसे ही एक विधायक है जो टॉप्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ईडी ने चार्ज किया कि लगभग 7 करोड़ का फायदा हुआ है, किकबैक मिला है एमएमआरडीए में, लेकिन वे भी जब बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं तो ईडी पे बंद। तो ये किस हैसियत से बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, किस हैसियत से ये बोल रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो भी खाता है बीजेपी में शामिल हो जाता है, जो भी खाता है बीजेपी का सदस्य बन जाता है, बीजेपी पनाह दे रही है। बीजेपी ने एक आश्रम खोल रखा है भ्रष्टाचारियों के लिए और सबसे ज्यादा अमीर लोगों के लिए। एक व्यक्ति है जिनके खिलाफ स्वयं प्रधानमंत्री बोलते हैं, सर एक व्यक्ति है जिनके खिलाफ स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि इस पे 70,000 करोड़ का यहाँ पे इरिगेशन को लेके स्कैम हो रहा है, स्वयं प्रधानमंत्री बोलते हैं। और फिर वही व्यक्ति आज प्रधानमंत्री से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री हूं। ये हो रहा है सर, 70,000 करोड़ का ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अरे हमने तो किसानों का 70,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, आपने तो एक विशेष भ्रष्ट से लिप्त हुए एक व्यक्ति का 70,000 करोड़ आपने माफ किया हुआ है सर। तो सर बार बार ये ईडी को लेके, ईडी सर आज बीजेपी का एक दूसरा अंग बन चुका है। ईडी को लेके सर आज हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार का मिसयूज ये ईडी के खिलाफ कर रहे हैं। ईडी का काम है भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, लेकिन आज इन्होंने काम कर दिया है कि ईडी के द्वारा लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज को कैसे कुचला जाए और बीजेपी में भ्रष्टाचारियों को कैसे शामिल किया जाए, ईडी इनका विशेष अस्त्र है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट में लिखा है, अ क्लियर ट्रेंड ऑफ यूजिंग ईडी रेड्स एज अ टूल ऑफ हरासमेंट हैज बीन इंडिकेटेड, द एक्शन रेट ऑन कंप्लेंट्स फाइल्ड पर्सुएंट टू रेड्स। कौन सा नियम है? बीजेपी पार्टी का नाम लेने के लिए इनको नोटिस देना होगा सर। ये सभापति महोदय, मेरी सरकार के ऊपर बोलते हैं, आपने जो अपने नोटिस दिया सर, आपने कांग्रेस का नाम लिया, आपने नोटिस दिया क्या? आपने नहीं दिया ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपने खुद नियम खुद पालन करिए, फिर नियम सिखाइए। आपने नहीं किया, वो आपकी गलती है। धन्यवाद कानून ये है। आगे बढ़ता हूँ। आज एक क्लियर ट्रेंड ऑफ यूजिंग ईडी रेड्स as a tool of harassment has been found. What is the action rate on raids in 2005 to 14 was 93%. Now the action rate on raids has reduced to 29%. मतलब ये सारे raids जो कर रही है ईडी सारे से ज्यादा politically motivated. Only 23 convictions under the PMLA Act have been secured. Even the number of cases registered by the ED under the PMLA have risen exponentially. 2013 में 209 और 2021 में 1180, लेकिन कन्विक्शन इतना कम क्यों? क्योंकि ये सारे रेड्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड। इस ईडी पे खुद अब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी दे रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, अगस्त 23, 2023 को, द कोर्ट स्टेटेड दैट ईडी कैनॉट एक्ट एज अ लॉ अनटू इटसेल्फ। अक्टूबर 4, 2023 ईडी सुप्रीम कोर्ट ईडी पे क्या कहती है,
द प्रोब एजेंसी कैन नॉट बी विंडिक्टिव एंड मस्ट बी सीन टू एक्ट विथ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फेयरनेस। सर ये मैं नहीं कर रहा, कोर्ट कह रही है ईडी पे, और ये बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचारी के खिलाफ है। सर ये अगर ईडी का काम करते, ईडी को काम करने देते, तो जो भी लोग आज विदेश में फरार हो चुके उनको आज ये पकड़ते। सर विदेश में लगभग ऐसे 31 लोग हैं, सर 31 ऐसे लोग हैं जिन्हें 40,000 का कर्ज, 40,000 का कर्ज है, आज उनको ईडी पकड़ नहीं रही। उसमें से कौन है? उसमें से पहले हैं हमारे नीरव मोदी जी। नीरव मोदी जी पे नीरव मोदी 12,000 करोड़ का फ्रॉड है, उनको ईडी नहीं पकड़ रही। विजय माल्या पर 9,000 का उन पर फ्रॉड है, उनको नहीं पकड़ रही। मेहुल भाई तो आपके प्रधानमंत्री के करीब है, मेहुल भाई पे भी आज 12,000 का ये उन पे भी फ्रॉड है। जतिन मेहता विंसम डायमंड, हीरे के वित्त मंत्री ने हीरा का उल्लेख किया था, तो एक विंसम हीरा है। एक सर बोलने दीजिए, मेरे पास पार्टी का समय है। सर जतिन मेहता जो विंसम डायमंड है, 7,000 करोड़ ऊपर कर्ज है, फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। ललित मोदी 125 करोड़ का आज उनपे फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। स्टर्लिन बायोटेक के चेतन संदेशारा, नितिन संदेशारा 5,000 करोड़ का फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। आशीष जोबन पुत्रा एबीसी कॉडस्पिन के मालिक हैं, 770 करोड़ का उनपे फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। डायमंड ट्रेडर रितेश जैन, समाप्त कीजिए सर, बोलने दीजिए सर। आज इन्होंने जो काला वाइट श्वेत पेपर निकाला है उसके खिलाफ, जो हमने काला पेपर निकाला है उसके थोड़ा विवरण करने दीजिए, सत्ता पक्ष को डरने की जरूरत नहीं है। नीलेश परीख गणेश ज्वेलरी 2022 करोड़ पर का फ्रॉड है, उसको आज नहीं पकड़ते। तो ये है बीजेपी सर, जितने भी अमीर है जिन्होंने भ्रष्टाचारी किया हुआ है, जाओ विदेश जाओ। अगर मोदी जी इतने बड़े विश्व गुरु हैं, आज मोदी जी अगर इतने बड़े दुनिया में उनकी ताकत है, तो ये विदेश में छुपे हुए लोगों को वापस क्यों नहीं लाते? इन वापस क्यों नहीं ला सकते? सर मुझे और 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट नहीं होगा सर, आप क्यों कैसे हमारे पार्टी का समय है, आप हमारे पार्टी पे हम भी छोड़ दीजिए। सर अगर मोदी जी इतने बड़े विश्व गुरु हैं, तो ये जो बाहर जो लोग हैं जिन्होंने 40,000 करोड़ लूटा हुआ है, उसको क्यों नहीं ला सकते? अडानी को लेकर सर अब मैं बोल दूंगा, मुझे 5 मिनट दीजिए। आज मेरे पास पार्टी का टाइम है सर, मैं पार्टी का टाइम है सर। अभी तक हमारे पहले स्पीकर ने 20-25 मिनट लिया, बहुत अडानी है। अडानी परिवार आप कंक्लूड कीजिए। जैसे अडानी आपने जैसे परिवार का नाम लिया, तो मैं भी अडानी परिवार का नाम ले रहा हूँ। अडानी परिवार आज धारावी में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करता है, धारावी में रीटेंडर प्रोजेक्ट करता है, 2000 करोड़ से कम उन्होंने बिड किया, उनको धारावी प्रोजेक्ट मिल जाता है, ये कैसे होता है सर? आज अडानी परिवार से क्या करते हैं? अडानी परिवार के कंपनी में फाइनेंशियल टाइम्स के न्यूज पेपर सर, मेरे पास पार्टी के पास टाइम है, 10 मिनट ही बोला सर, आप आवाज नहीं बंद कर सकते। अगर पूरे पार्टी का वो हम पे छोड़ दीजिए, वो हमारे पार्टी पे छोड़ दीजिए। 15 मिनट बोले, हमारे पार्टी पे छोड़ दीजिए, 15 मिनट बोले, पार्टी पे उधर बोले, 5 मिनट। अडानी परिवार में एक चाइनीज है चांग चुन लिंग, उन्होंने 12,000 करोड़ कोयला का ओवर इन्वॉइसिंग किया है। उस 12,000 कोयला का इन्वॉइसिंग पे आज हमारे देश के ग्राहक, आज बिजली का भाड़ा बढ़ चुका है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती क्या? आज अडानी परिवार पे अडानी परिवार मोशन या रिजोल्यूशन सर, मेरा टाइम मोशन और रिजोल्यूशन जिस विषय पर है हमारे वही बात करेंगे, टाइम है नहीं कटना चाहिए। 59 पेज का जो ये व्हाइट पेपर है सर, उसमें संदेशारिया कहाँ है, विजय माल्या कहाँ है, ठीक है, थैंक यू सर, कहाँ है उसमें सभापति महोदय, यदि कि मैं कह रहा था तो सारे अडानी परिवार पे आज SBI की बात करते हैं, अडानी परिवार का नाम बोलता हूँ, $1 billion का लोन मिलता है ताकि वो कोयला ऑस्ट्रेलिया से ले, तब इनको कुछ नहीं पता है सर। मैं दूसरा नाम पुकारता हूँ, कंट्रोल कीजिए सर, बस दो मुझे और 2 मिनट लीजिए। राजीव रंजन सिंह जी, ठीक है, थैंक यू राजीव रंजन जी, समाप्त कीजिए। तो ठीक है सर, जितने भी कंक्लूड, थैंक यू सर। इन कंक्लूजन मैं ये बोलना चाहता हूँ,
अर्थव्यवस्था की ये बात करते हैं, इनके ही सरकार के दौरान जो अर्थशास्त्री काम करते थे उनका क्या कहना है, बस मैं उनके एक एक लाइन बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूं, खत्म ही कर रहा हूं। पांच व्यक्तियों का नाम लूंगा। उर्जित पटेल आरबीआई का गवर्नर, उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि आरबीआई गवर्नर, क्योंकि इनके सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कीम के खिलाफ थे, आज आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। सुभाष गर्ग जो फॉर्मर किताब, चलो क्या हो रहा है सर, राजीव रंजन जी अब बोलिए। सभापति महोदय, खत्म हो गया, आप बोलिए। एक बार मैंने उनको बिठाया, राजीव जी, राजीव रंजन जी आप बोलिए। सभापति महोदय, नहीं दबा, सभापति महोदय पूरा समय दिया महोदय। राजीव रंजन जी आप अपनी बात बोलो। सभापति महोदय, देश की अर्थव्यवस्था पर बोलना शुरू कर दिया है, बोलिए। ठीक है, बोल दीजिए, एक मिनट जस्ट। पांच वाक्य, पहला वाक्य रुजीत पटेल पे मैंने बोल दिया, जल्दी खत्म करो। दूसरा वाक्य अरविंद सुब्रमण्यम फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं डीमोनेटाइजेशन वाज अ ड्रकोनियन मूव, ये दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य विरल आचार्य डेप्यूटी गवर्नर पहले आरबीआई के, वो क्या कहते हैं कि ये सरकार आज बड़े बड़े कंपनियों को ये फायदा दे रही है, ये हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, उनका पेपर है। चौथा वाक्य अरविंद पनगरिया इन्हीं के नीति आयोग के एडवाइजर थे, वो इस्तीफा देते हैं, वो कहते हैं मैं डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ हूं। पांचवा वाक्य रघुराम राजन कहते हैं कि ये आज ये आर्थिक असमानता ये राजीव रंजन सिंह जी